तमाम विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया है, खासतौर पर महिला सांसदों के समर्थन में, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की महिला सांसद रश्मि पाटिल के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो उसके बाद में विपक्ष ने तय किया है कि अब जो है सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे, और उसी की वजह से यहाँ पर ये तमाम महिला सांसद हैं जो इस वक्त चर्चा करते हुए नजर आ रही हैं। रजनी पाटिल भी यहाँ पर हैं, उसके अलावा अमी याग्निक, जया बच्चन, तमाम महिला सांसद कोशिश करते हैं हम बात करें। जय मैम, जय मैम, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि महिला हो या पुरुष हो, जो भी होगा कार्रवाई तो होगी अगर कुछ गलत किया तो। कितने पुरुषों के साथ कार्रवाई की पिछले कितने सेशन में, कितने लोगों ने क्या क्या किया, इनको तो सफाई देने का मौका नहीं दिया। कोई कमेटी को भेजा आपने, कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके पहले ही गला काट दिया। अब ये क्या बात हुई? बोल गई। एंड शी सेड आई एम रेडी टू लीव, अभी से आप रेस्ट सेशन में नहीं, मैं पूरे सेशन जितने हैं सबसे मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर वो गिल्टी होंगी तो ऐसे बोलूंगी क्या? जी बिल्कुल। रजनी मैम, आपसे भी ये जानना चाहूंगा, नहीं आपके ऊपर आरोप गंभीर था कि आपने सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल करवाया। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैंने उनको बोला है मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है, तो भी मुझे मेरा नेचुरल जस्टिस का मुझे मौका ही नहीं दिया, तो इसके ऊपर मैं बोलना नहीं चाहती। तो कार्रवाई, क्योंकि आपने कहा कि अगर मैं दोषी होंगी तो मैं पूरा मैं रेजिग्नेशन दे दूंगी जी सभासद से। यानी साफ तौर पर कांग्रेस की सांसद रजनी पाटिल, जिनके ऊपर आरोप हो, ये कह रही हैं आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है, और जया बच्चन का ये कहना है कि सफाई का मौका तक नहीं दिया और उससे पहले ही कर दी गई ये कार्रवाई। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली।